तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के कमाल के नए फीचर और नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि नए फीचर आपको अभी कुछ फीचर्स आपके मोबाइल में आ भी चुके होंगे और कुछ अपकमिंग होंगे। तो बहुत ही कमाल के व्हाट्सएप के फीचर है, इसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप के कमाल के नए फीचर बताने वाला हूँ, जो कि कुछ आपको अपने मोबाइल पे अभी मिल भी गए होंगे और कुछ आने वाले टाइम पे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप का बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है जो फीचर मेरे पास हो वो आपके पास नहीं मिल रहे हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फीचर दिया गया है तो व्हाट्सएप का, वो है बहुत ही शानदार। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही अगर आप नए कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना न्यू फॉर व्हाट्सएप, आपको लिख रहा होगा न्यू टू व्हाट्सएप करके नाम दिख रहा होगा, ऐसे ही अब यहाँ पर ये अभी आपको नया दिख रहा है। पहले क्या होता था, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप के दिखते थे, अब यहाँ पर आपको एक अलग से टैग मिल रहा है न्यू टू व्हाट्सएप, मतलब कि नए लोगों ने अभी व्हाट्सएप को ज्वाइन किया है, वो आपको इंटीमेट कर रहा है। और जो कि अभी एक और इसमें ऑप्शन और जुड़ जाएगा, रिसेंट ऑनलाइन। जैसा कि कोई नए लोग ऑनलाइन होंगे तो आपको बता देगा कि रिसेंटली ऑनलाइन करके, तो इस तरीके से एक नया फीचर एड ऑन होने वाला है और ये बहुत ही शानदार फीचर काम का आने वाला है। तो सबसे पहला फीचर ये है, हमें पता चल जाएगा रिसेंटली कौन ऑनलाइन था और कौन ऑनलाइन नहीं था, और कौन हमारे नए व्हाट्सएप पे अभी जुड़ा है वो आपको खुद ही यहाँ पर इंटीमेट करके बताने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करें सेकंड नए फीचर की, वो है अगर आप किसी को कोई लिंक शेयर करते हैं, सेकंड फीचर ये है दोस्तों, अगर आप किसी को कोई लिंक शेयर करते हैं, मान लो मैंने किसी को लिंक शेयर करना है तो मैंने यहाँ पर लिंक क्रिएट, लिंक को पेस्ट किया, जैसे लिंक पेस्ट करूंगा तो वो पूरा उसका वीडियो का पूरा URL प्रीव्यू आ जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि किसी को भी आप कुछ शेयर कर रहे हैं उसका प्रीव्यू आपको दिखे, इससे क्या होगा, इससे प्राइवेसी बची मैनेज रहेगी, क्योंकि जब भी कोई URL का अगर आप सेंड करते हैं तो उसका प्रीव्यू तब दिखता है जब आपका इंटरनली आपके मोबाइल के थ्रू वो उस वेबसाइट पर जाएगा और उस वेबसाइट से उस लिंक का डेटा को फेच करेगा, फिर जाके वो दिखता है। अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो तो आपको एक कमाल का ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे, यहाँ जाना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर प्राइवेसी में, प्राइवेसी में जाने के बाद जाना है एडवांस में, एडवांस में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है डिसेबल लिंक प्रीव्यू। आप देख रहे होंगे ये अभी हो सकता है आपके पास नहीं आया हो, आ भी गया हो क्योंकि फिलहाल बीटा वर्जन पे। इससे क्या होगा, आपका आईपी एड्रेस जब भी मान लो लिंक दिखता है तो उस लिंक पे आपका आईपी एड्रेस चले जाता है और आपका आईपी एड्रेस आपके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक उनके पास चली जाती है, उस विदाउट उस लिंक पे क्लिक करें जैसे ही प्रीव्यू दिखा तो आपका डेटा वहाँ चले जाता है। तो उसको प्राइवेसी को बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर डिसेबल लिंक प्रीव्यू का ऑप्शन दे दिया गया। अगर अब मैं जाके किसी को भी लिंक शेयर करूँगा तो वो वहाँ पर उसका प्रीव्यू नहीं दिखाएगा, जैसे अब देखेंगे अब उसका लिंक नहीं आएगा, उसका प्रीव्यू नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये फीचर काम करता है, जो कि शानदार फीचर है। उसके बाद दोस्तों बात करें थर्ड नए फीचर की, वो भी बहुत शानदार है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको तीन टैब दिख रहे हैं ना, ऑल, अनरीड और ग्रुप करके, अब इसमें एक फीचर और एड ऑन होने वाला है फेवरेट करके। अब आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और उस फेवरेट कॉन्टैक्ट में आप अपना फेवरेट कॉन्टैक्ट में वहाँ पर अपने जो कॉन्टैक्ट को सेव करेंगे तो फेवरेट में आपको सिर्फ वही दिखेंगे और उनसे आप इजीली चैट कर पाएंगे। किस तरीके से, तो लाइक इस तरीके से आपको फेवरेट और ऑल अनरीड फेवरेट ग्रुप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिससे आप अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो ये फीचर भी यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर की दोस्तों, वो है व्हाट्सएप को लेके। दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस को लेके, जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर करते हैं तो वहाँ पर आप स्टेटस शेयर करने के बाद अब आपको एक लाइक का ऑप्शन भी दिख जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि कमेंट के बगल में आपको एक दिल बना हुआ दिख रहा होगा, तो ऐसा दिख जाएगा जैसे ही वो बंदा आपको दिल देगा तो वहाँ पर आपको रिप्लाई में दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर बंदे ने आपको लाइक किया है, तो ये आपको बता भी देगा। तो ये फीचर भी बहुत काम का और आने वाले टाइम पर रोल आउट होने वाला है। जब भी आप स्टेटस डालेंगे कोई भी आप उसको लाइक कर सकता है, तो ये फीचर भी बहुत ही शानदार है। और इसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर की दोस्तों, नेक्स्ट फीचर आपको ये मिलने वाला है, यहाँ जाएंगे थ्री डॉट्स पे, यहाँ सेटिंग्स पे, यहाँ पर आपको एक फेवरेट टैब मिल जाएगा अकाउंट प्राइवेसी के बीच में, आपको एक फेवरेट टैब मिलेगा और उस फेवरेट टैब में जो भी आप फेवरेट कॉन्टैक्ट डालेंगे तो यहाँ से आप उसको लिस्ट को एडिट मॉडिफाई आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये फीचर भी आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट फीचर की दोस्तों, वो ये है जब भी आप किसी को व्हाट्सएप पे फोटोज़ को भेजते हैं, वीडियोज़ को भेजते हैं तो आप वहाँ पर नॉर्मल क्वालिटी को भेजते हैं, अब उसकी क्वालिटी को इनक्रीज़ कर सकते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी में आप अपने फोटोज़ वीडियोज़ को शेयर कर पाए। अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो आपका डेटा जरूर जाएगा पर फोटोज़ वीडियो अच्छी क्वालिटी में जाएंगे। यहाँ पर आप जब भी फोटो या वीडियो को शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं HD, और यहाँ पर
स्टैंडर्ड क्वालिटी और एचडी क्वालिटी में आप दोनों में यहाँ पर आप भेज पाएंगे, चाहे फोटोज़ हो वीडियोज़ हो, अच्छी क्वालिटी में आप डायरेक्टली यहाँ पर आप शेयर कर पाएंगे। तो ये भी एक नया फीचर आपको आगे जाके मिलने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों यही कुछ नए अपडेट्स है व्हाट्सअप से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दिया। आने वाले टाइम पे सब फीचर आपको रोल आउट हो जाएंगे, और भी छोटे छोटे फीचर्स इसमें रोल आउट हो रहे हैं। जैसा कि पहले क्या होता था, आप यहाँ पर स्वाइप नहीं कर सकते थे, अब यहाँ पर आप स्वाइप कर सकते हैं। लाइक चैट्स के अंदर, व्हाट्सअप के अपडेट्स के अंदर आप इजीली यहाँ पर चैट करके मूव ऑन कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पर पहले फिंगरप्रिंट लॉक आता था, उसका नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ प्राइवेसी में जाएंगे, तो आप देखेंगे ऐप लॉक यहाँ पर नाम दे दिया गया है। पहले इसका नाम आता था फिंगरप्रिंट लॉक, अब उसको यहाँ पर ऐप लॉक कर दिया गया। ऐप लॉक के अंदर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अनलॉक विद बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, विद फेस भी कर सकते हैं, अदर यूनिक आप कुछ भी अपना कोड बना सकते हैं, और उसके थ्रू भी यहाँ पर आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये फीचर भी यहाँ पर कमाल का एड ऑन कर दिया गया है। दोस्तों यही कुछ नए अपडेट्स है व्हाट्सअप से रिलेटेड जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे, और हो सके मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको फटाफट मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच।